कुमकुम भाग गया क्या आज के एपिसोड में? अभी पूरा परफॉर्म किए बैक से चला जाता है ये देखकर उसके सारे फैमिली वाले वर्ड हो जाते हैं। प्रज्ञा और प्रीति जा रहते हैं, इतने शीश जी उनके पास आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। इतने प्रीति उसे बताती है कि हमें कॉन्सर्ट के अंदर जाने की एंट्री नहीं मिल रही। इतने में शीश जी कहती है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे वो लोग कॉन्सर्ट के अंदर जा सकते हैं। इतने पूर्व अभी के पीछे जाता है, उससे कहता है कि तुम्हें परफॉर्म करने होगा, अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो हमारे लिए पब्लिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी कहता है कि मैं वो गा नहीं सकता क्योंकि वो जिससे प्यार करता है वो यहाँ पर नहीं है और उसकी इंस्पायरेशन सिर्फ वही है। इतने का स्मॉलिक अभी के पास जाती है, उससे कहती है कि आपको परफॉर्म करना ही होगा। इतने अभी उस पर उससे गुस्से से कहता है कि तुम कौन होती हो मुझे कहने वाली कि मुझे परफॉर्म करना चाहिए। इतने सोमाली का कहती है कि मैं एक फैन हूँ और आपको ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। इतने में पूरा वहाँ था सोमाली को वहाँ से जाने को कहता है और पूरा अभी से बात करने लग जाता है। इतने में सोमाली कहती है कि वो अभी कुछ छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। दूसरी तरफ श्रीस्थी प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है और वहाँ पर एक बड़ा सीन क्रिएट करती है ताकि प्रीति और प्रज्ञा कॉन्सर्ट के अंदर जा सकें। दूसरी तरफ प्रज्ञा दिशा को अपनी तरफ बुलाती है और उसे पूछती है कि अभी किधर है। इतने उसे बताती है कि अभी बैक स्टेज है और उसने परफॉर्म करना रोक दिया है। इतने प्रज्ञा अभी की तरफ अभी को ढूंढने जाती है। इतने में श्रीस्थी उसे बताने वाली होती है कि गिटार के अंदर बॉम्ब है, लेकिन उसे प्रीति रोक देती है और कहती है कि अभी ने पहले ही परफॉर्म करना बंद कर दिया है। दूसरी तरफ अभी को लगता है कि पूरा ठीक कह रहा है, उसे परफॉर्म करना चाहिए उसकी फुगई लिखी, क्योंकि अगर उसकी फुगई यहीं यहाँ होती तो वो भी उसे परफॉर्म करने के लिए कहती। इतने में सोमाली अभी को गिटार देती है। इतने में अभी को प्रीति और श्रीस्थी नजर आती है। इतने में सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि इन दोनों को बाहर ले जाओ। इतने में प्रज्ञा अभी तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है, इतने में सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है लेकिन प्रज्ञा भाग के स्टेज के पीछे छुप जाती है। इतने प्रज्ञा स्टेज से बाहर निकलती है तो सिक्योरिटी मैनेजर वहाँ आ जाता है और उसे रोकता है। प्रज्ञा उसकी गन निकाल लेती है और उसे अभी की तरफ पॉइंट करती है और कहती है कि मुझे अपना गिटार दे दो। अभी कहता है कि मैं तुम्हें अपना गिटार नहीं दूंगा। प्रज्ञा उसकी तरफ गन कर लेती है और कहती है अगर तुमने मुझे गिटार नहीं दिया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। इतने अभी कहता है कि ये प्रूव हो गया कि तुम मेरी रियल प्रज्ञा नहीं हो, क्योंकि मेरी प्रज्ञा कभी मेरी तरफ गन पॉइंट नहीं करती। इतने प्रीति और श्रीस्थी भी स्टेज पर आ जाती हैं और अभी से कहती हैं कि अपना गिटार प्रज्ञा को दे दो। अभी कहता है कि ये प्रज्ञा नहीं है। इतने में सोमाली अभी से कहती है कि तुम आप जाके परफॉर्म करो, मैं इनको रोकती हूँ। इतने प्रज्ञा अभी से फिर कहती है कि मुझे वो गिटार चाहिए। अभी कहता है कि जब मैं परफॉर्म कर लूँगा तब तुम गिटार ले लेना। इतने अभी परफॉर्म करने जाता है और गिटार बजाने लगता है कि प्रज्ञा उस गोली चला देती है। हिट लाइक एंड सब्सक्राइब क्लिप स्ट्री फॉर डेली कुमकुम भाग्य न्यूज़ एंड अपडेट।